आई होप कि अच्छे होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग दिन के टाइम से। तो अभी बज रहा है दिन का 2:30 मीन्स 2:30, और हम लोग जा रहे हैं अभी मार्केट, क्योंकि हमें थोड़ी सी करनी शॉपिंग। अब टाइम भी आ चुका है घर की तरफ जाने का, क्योंकि अभी समर वैकेशन चलने वाले हैं बच्चों के, तो उस टाइम पर हम लोग घर को जाएंगे। तो सोचते कि थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लेते हैं। तो अभी हमने बुलाया ऑटो वाला, एंड जैसे हमारा ऑटो आता है तो हम निकलते हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ मऊ की मार्केट कैसी है और हम क्या क्या शॉपिंग करने के लिए किस किस शॉप पे जा रहे हैं। आ चुके थे ऑटो वाले भैया और फिर हम निकल चुके थे मार्केट की ओर। हमारे यहाँ से मार्केट बस 5 या 10 मिनट में हम पहुँच जाते हैं। और ऑटो में बैठ गए थे कि हम लोग ना पुरानी बातें कर रहे थे कि मतलब ऐसा होता था हमारे टाइम पे। देन हम पहुँचे मार्केट और सबसे पहले हमने सोचा कि हम जाते थे साड़ी वाली शॉप में, क्योंकि सबसे पहले हमने साड़ी लेनी थी एंड उसके ब्लाउज सिलवाने थे। तो यहाँ पे देखिए हम बैठे तो सही, भैया ने काफ़ी साड़ियाँ दिखाई बट उतनी साड़ी कोई भी पसंद नहीं आई। तो एक साड़ी पसंद आई जो हम तीनों को एक साथ ही आई, तो हमने बोला एक बार उसको ट्राई कर लेते हैं। तो फिर मैं उसको ट्राई करने लग गई और आप देख सकते हैं ये साड़ी। आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बताइएगा कि साड़ी कैसी लग रही थी। और सबसे अच्छा लगा था हमको इसका कलर और पैटर्न। देन हम उसके बाद हमने ये साड़ी सेलेक्ट करी, फिर हम गए दूसरी शॉप में और थोड़े बहुत बच्चों के लिए सामान लेना था, तो भावना भी ले रही थी अपनी बेटी के लिए। एंड उसके बाद फिर हमने ऑटो वाले को बुलाया और हम पहुंच गए घर। आ चुके हैं हम मार्केट से और अभी बज रहा है 6, तो लगभग हम 2:30 बजे मार्केट गए थे और 6 बजे वापस आ रखे। काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने वापस शॉपिंग करी, थोड़ा बहुत घूमे और भी बहुत सारे काम थे जो हमने करे। और उसके बाद फिर हम ऑटो में ही गए और ऑटो में ही आए। और जैसे मैं आई थी, सिराज ने चाय बना के रखी हुई थी, क्योंकि ना मैंने रास्ते से उनको कॉल कर लिया था। मैंने बोला कि आप चाय बना के रखो और मैं क्रीम रोल लेके आई, तो चाय और क्रीम रोल खाएंगे। बहुत दिन से सोच रही थी कि क्रीम रोल खाना है और आज फाइनली खा ही लिया। और जस्ट अभी चाय पी ली है, चाय पी के अब चलते हैं किचन में, क्योंकि कल है मंडे, बच्चों के लिए अभी उनके कपड़ों में प्रेस भी करनी है, काफ़ी काम है। तो पहले सीधे किचन में चलते हैं और अपने जितने भी बर्तन हैं वो वॉश करती हूँ और उसके बाद सब्जी बनाती थी। कि मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं लाई थी, मैं पापड़ लेके आई थी, कभी कभी चाय के साथ खाने के लिए अच्छे होते हैं, और ग्रेप्स लेके आई थी जो आजकल के सीजनेबल फ्रूट्स हैं। बाकी जो मम्मी का सामान था मम्मी ने अपने रूम पर रख लिया था, और जो हमने साड़ी ली थी वो अभी तक हमने वहीं से फॉल लगाने को दी थी जो नहीं आ रखी है। एंड अभी सीधे चलते हैं पहले बालकनी में, पता नहीं कपड़े भी उठाए हैं या नहीं, क्योंकि सरोजा जी ने हमारे आने तक सो रखे थे, तो कपड़े तो सारे उठा दिए उन्होंने। और नीचे देखिए बच्चे बहुत सारे खेल रहे हैं यहाँ पे, और अभी तो उजाला ही हो रहा है। तो आज हम बनाएंगे आलू और बीन्स की सब्जी। मैंने बीन्स कट करके रखा हुआ था और अभी मैं सरोजा जी को बोल रही हूँ कि आप कर दो बच्चों की यूनिफॉर्म में प्रेस, क्योंकि कल मंडे है तो बच्चों को ड्रेस में प्रेस करनी है काफ़ी। उनका और भी सामान चेक करना है कि उसके बुक्स वुक्स लगभग थोड़े बहुत आ गए हैं, थोड़े नहीं आए। एंड हाँ, सिरोज जी ने ना एक घरेलू उपाय और बना रखा है, यहाँ पे देखिए दरवाजे के पीछे ना कील लगा रखी है, जिसमें क्या है ना अथव के ना कपड़े काफ़ी छोटे हैं तो वो हैंगर में नहीं आ पाते, तो उसको ना वो ऐसे पीछे दीवार पर लटका देते हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म बाकी तो नहीं, तो तभी इसको ऐसे करके करा हुआ है। और हाँ, मेरा ना जो कैनवास का बोर्ड था वो भी बन चुका है, आधा पूरा तो नहीं पर जितना बना है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इतना सा बना रखा है, और ये भी आज संडे था इस वजह से थोड़ा सा बन गया, वरना टाइम बहुत कम होता है। अब मैं सोच रही हूँ कि इसके बाहर से देन उसके बाद अंदर से मैं कुछ कोई भगवान जी बनाऊँ, अभी देखते हैं कैसा होता है। जब पूरा बन जाएगा फिर आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और अभी चलते हैं सिरोना जी के पास, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। मम्मी चले गई है घूमने के लिए, बच्चे भी चले गए और सिरोना जी अभी लगे हुए हैं यहाँ पे देखे प्रेस करने में। मेरा आधा काम तो यही करते हैं। इनको भी जाना है कहीं पार्टी में, किसी की ना नेमिंग सेरेमनी है, बट ये जाएंगे या नहीं ये मुझे पता नहीं है। कभी बोल रहे हैं कि जाऊंगा, कभी बोल रहे नहीं जाऊंगा। एंड जो वहाँ पे नेमिंग सेरेमनी के लिए जा रहे हैं वहाँ के लिए हमने अभी गिफ्ट लेके पैक कर दिया है, अगर जाएंगे तो लेके जाएंगे, वरना किसी के हाथ में भिजवा लेंगे। दिखाती हूँ मैं आपको, देखो भैया को क्या तो इनकी ना नींद काफ़ी डिस्टर्ब हो गई है, और उस वजह से जब से ये आ रखे हैं इन्होंने इतना गंदा मुंह बना रखा है, क्या बता दूँ, क्योंकि ये सोए थे और आधी इनको डिस्टर्ब कर रहा होगा सोते टाइम, तो संडे ही मिलता है सोने के लिए।
तो इसलिए ना उस समय से गुस्सा आ रखा है। अभी तो पता नहीं हंस तो रहे हैं, वो कैमरे के सामने हंस देते हैं। देखो ना यहाँ को, ये देखो अब देख भी नहीं रहे। इनकी ये आंखें देख के ना बहुत लोग परेशान है कि ये अपनी बीबी के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसे ही है। तो अब किचन में चलते हैं, सब्जी बनाते हैं। सब्जी बनाऊंगी बीन्स और आलू की, क्योंकि वो मैंने कट करके रख दी थी, और आटा मैंने दिन में गूंथ लिया था। बाकी अब ड्रेस चेंज करती हूँ, क्योंकि जब से आई हूँ इसी ड्रेस में हूँ, इसी में खाया इसी में पिया। अब चेंज करती हूँ, उसके बाद घर के और काम करती हूँ। मिलती हूँ आपको, आप बने रहिए मेरे साथ। अब कर लेते हैं घर का कुछ काम। आज ना मेरा कैमरा उतना क्लियर नहीं आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा धुंध जैसा लग रहा है, क्योंकि ना हर जगह पे लाइटिंग ऑन हो रखी थी। एक तो क्या होता है कि शाम के समय अगर कमरे में अंधेरा हो तो अच्छा नहीं लगता, और लाइट ऑन होने की वजह से ना पूरा जो कैमरा था उसका फ्लैश चमक रहा था, इस वजह से ना बहुत ही धुंधली सी मेरी जो वीडियोज़ बनी है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। और यहाँ पर देखिए मैं फ्रूट्स लेके आई थी, मैंने उनको कर लिया है वॉश, एंड उसके बाद मैं अब आलू और बीन्स की बनाती हूँ सब्जी, और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। हो चुकी है शाम, और आप देख सकते हैं तीनों के तीनों दिया बाती कर रहे हैं। आदि कर रहा है आरती, और अथर्व अगरबत्ती जला रखी है, और देखिए हाई भी कर रहा है आपको साथ में। तो अभी जस्ट ये आ रखे हैं नीचे से, और वहां से आने के बाद अभी ये कर रहे हैं दिया बाती। और यहाँ पे ना बन चुकी है मेरी सब्जी, मतलब मैंने डाल दी है, ये देखिए ये है मेरी आलू और शिमला मिर्ची सॉरी बीन्स की सब्जी। तो सब्जी मैंने चढ़ा दी है, और सब्जी चढ़ाने के बाद मैं अभी आ रखी हूँ अपनी छोटी वाली बैल्कनी में। आप देख सकते हैं मेरे छोटे छोटे से प्लांट्स, और जैसे ही मैं बाल्टी लेके आई ना प्लांट्स में पानी डालने के लिए, तब तक अथर भी आ गया मेरे पीछे पीछे कि मम्मा मैं भी पानी डालता हूँ। एंड आदि बोल रहा था कि मैं भी आता हूँ, बट बैल्कनी काफ़ी छोटी है और इतने तो पूरे गमले हैं, तो मैंने बोला कि तुम पढ़ाई करना स्टार्ट करो, मैं आती हूँ, क्योंकि अब जैसे ही मेरी सब्जी बन जाएगी तो फिर मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी, ये भी एक मेरा काम है। तो प्लांट्स को पानी वैसे तो मैं सुबह ही डालती थी, बट अभी क्या है ना कि बच्चों का स्कूल थोड़ा सा जल्दी का हो चुका है, और इस वजह से ना टाइम बहुत ज़्यादा सुबह सुबह वेस्ट हो जाता है, और कामों में टाइम लग जाता है। तो सुबह सब्जी बनाना खाना पकाना काफ़ी टाइम हो जाता है, तो फिर मैंने सोचा कि आज से मैं रात को ही या शाम के टाइम पे किसी भी टाइम पे प्लांट्स में पानी डाल दूँगी। और देखिए प्लांट्स मेरे काफ़ी हरे भरे हो रहे हैं, पर टेंशन ये है कि जब हम जाएंगे अभी घर को तो प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा सूख जाएंगे। मतलब पानी तो हर कोई डालता है, बट होता ना केयरिंग जितना अपने घर वाला कर सकता है उतना बाहर वाला नहीं कर सकता, किसी का भी हो। तो अथर्व भी आया ना मेरे साथ। अथर्व तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो बताओ? पानी डाल रहे। कहाँ डाल रहे हो पानी? यहाँ डाल रहे हो पानी। आपको अच्छा लगता है पानी डालना? चलो डालो फिर। चलो तो देखिए अथर्व मेरे साथ आ रखा है, वो भी प्लांट में पानी डाल रहा है। तो यही है कि शाम को ये काम भी हो जाएगा, देन उसके बाद रोटी में बाद में पकाऊंगी, पहले मैं बच्चों को थोड़ी देर पढ़ाऊंगी। तो अभी मैं डालती हूँ प्लांट्स में पानी, और आप बने रहिए मेरे साथ। दादा अभी आ जाएगा। नहीं बेटा, क्यों मस्ती करेगा दादा? दादा अभी आने वाला है, नहीं। उसके फ्रेंड्स आए ना वहाँ पे, तभी गया हुआ। चलो कुंडी खोल दो मम्मा के लिए, अकेले मम्मा कैसे रहेगी यहाँ पे? नहीं खाना, यहाँ पे खाना कैसे बनाऊंगी मैं? हाँ ये घर है, तो किचन कहाँ पे है मेरा? अच्छा खोल। आदि और सिराल जी चले गए हैं नेमिंग सेरेमनी में, और हम लोग हैं घर पे। आपको पता है अथर्व बहुत ज्यादा रोया रोया ना, क्योंकि अथर्व को ये लगता है कि दादा वहां जाके काफी मस्ती करेगा और मैं नहीं कर पाऊंगा। तो
मैंने बोला अथर्व भी काफी मस्ती करेगा करेगा ना, मामा को प्यार करो, पहले जल्दी करो प्यार। पता है इसको ना मैंने रिश्वत दे रखी है। क्या बोला मम्मा ने बताओ, जल्दी बताओ क्या बोला मम्मा ने, बोलो बताओ जल्दी बताओ। हाँ आप रोना बंद करोगे तो मम्मा क्या देगी आपको, जल्दी बोलो क्या देगी। तो आप क्या देखोगे उसमें, कार्टून। कार्टून देखोगे, देखा इसकी स्माइल। एक फोन मिल जाए तो बच्चा काफी खुश हो जाता है। तो थोड़ी देर इसको देती हूँ फोन और मैं अपना और काम कर लेती हूँ। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं अब सिरोल जी लोग कब आते हैं। हमने सब्जी तो बना ही लिए, बस बनानी है चार रोटी, वो हम आराम से बनाएंगे। तब तक थोड़ी देर इसके साथ खेलती हूँ क्योंकि बेचारा काफ़ी सैड हो चुका है, इसके दादा चला गया है। और ना पता है क्या होता है, ये अपना कहीं जाए तो कुछ नहीं होता, बट अगर दादा कहीं चल जाता है तो ये बेचारा को रह नहीं पाता है। इसे ये होता है कि दादा वहाँ जाएगा, खाएगा, मस्ती करेगा और मुझे नहीं लेके जा रहा है। और जब भी मतलब आदि का स्कूल होता है और इसका स्कूल नहीं होता है तो ठीक है, सब कुछ नॉर्मल। अगर इसका स्कूल हो गया और आदि का स्कूल नहीं है, उसकी छुट्टी है, तो बहुत ज़्यादा आतंक मच जाता है मेरे घर में। तो ये छोटे बच्चे होते ही ऐसे है ना, क्यूटी क्यूटी सी है मेरी ये। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो हो चुका है हमारा डिनर और डिनर करने के बाद अभी हम सब आ चुके हैं अपने रूम पे। आदि भी यहीं पे है और अथर भी यहीं पे है। सिरोला जी भी आ चुके हैं पार्टी से एंड आदि गया था उनके साथ पार्टी में। और आपने देखा ही होगा जब आदि और सिरोला जी गए तो अथर कितनी ज़ोर से रो रहा था। और अथर ने ना आज मुझे ना कमरे से बाहर निकाल दिया था क्योंकि उसे ये लग रहा था कि मम्मा ने दादा को जाने दिया और मुझे नहीं जाने दिया। तो फिर बहुत देर तक उसने, लगभग 5-10 मिनट तक उसने ना जो हमारा मेन डोर है उसका लॉक नहीं खोला और मैं बाहर थी और मैं आपको दिखा रही थी कि अथर कैसे रो रहा था। और देखिए सिरोला जी भी आ चुके हैं, आके कपड़े अपने चेंज करने के बाद अभी लग चुके हैं सीधे IPL देखने में। और मैं काट रही हूँ भिंडी सुबह के लिए क्योंकि कल दोनों का स्कूल होगा एंड स्कूल में मैं सोच रही हूँ कल उनको भिंडी और पराठे दूँ। और मेरे दोनों बच्चों की भिंडी तो काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। तो अब इनको सुलाती हूँ और अपना आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय बोलो तो बाय बोलो ठीक है बाय।